मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो मैं बुलंदशहर क्रॉस कर चुका हूं और आपको बता दूं कि NH 34 पर ये देख सकते हो रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे। तो देख सकते हो पहले ये फोर लेन का हुआ करता था, अब ये सिक्स लेन का हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो एक लेयर तो इन्होंने ये चमक रही है आपको, ये देखो बिछा दी है और उधर की वो पुरानी वाली है। तो ये जो डंडे लगे हुए हैं देख सकते हो मेरे पीछे, कुछ ऐसे ही इन्होंने ये रोड को चौड़ी किया है। और देख सकते हो इधर ये सर्विस लाइन आ जाएगी इस साइड में, ये देख सकते हो मेरे पीछे ये जो ये इस पर इधर सर्विस रहेगी। और ये आप दोस्तों देखो, अब थ्री लाइन इस साइड में हो जाएंगी, अब थ्री लाइन तो इस साइड में होंगी और थ्री लाइन उस साइड में हो जाएंगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड को चौड़ी करने का दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज दिखाया जाए यहाँ का NH 33 का आपको व्यू दिखाया जाए दोस्तों, कि कितना कुछ यहाँ पर वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग सब देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बुलंदशहर क्रॉस करने के बाद में, और आप लोगों को ये हमारे गाज़ियाबाद के लाल कुआँ से स्टार्ट होता है और ये अलीगढ़ तक बनाया जाना है दोस्तों। वैसे तो ये पूरा रूट दोस्तों आपको बता दूँ कि ये मैनपुरी तक बनाया गया है, पूरा सिक्स लेन का एक्सप्रेस वे है। तो उधर तो पहले ही बना के कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन इधर का जो पार्ट था वो बचा हुआ था और ये अखिलेश के शासनकाल में मुलायम सिंह के राज्य में ये बनवाया गया था। तो इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा क्या बताएं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के जो SSP नीतीश गडकरी साहब ने इसको बनवाने का सोचा, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों, कि जो हमें सिक्स लेन एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिल रहा है और कहीं पर भी सब गड्ढे गुड्ढे सब कुछ ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। तो देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने। तो आप लोग बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त। तो चलिए आपको कंटिन्यू दिखाते हैं बैक कैमरे से, तो धन्यवाद दोस्तों। देखो आप लोग देखो, ये देखो कंक्रीट की लेयर डाली गई, पहले मिट्टी डाली जाती फिर कंक्रीट की लेयर डाली जाती है, रोरी बजरी की लेयर डाली है, उसके बाद में ये देखो जो ब्लैक टॉप इसमें से निकाला है ना वो पुराना ब्लैक टॉप फिर इन्होंने ये यहाँ पर बिछाया गया है, फिर उसके बाद में ये नया ब्लैक टॉप बिछाया, देख सकते हो ये मतलब कि फाइनल लेयर हो चुकी है ब्लैक टॉप की। कुछ इस तरीके से ये चौड़ा किया जा रहा है इस NH 34 को, बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो तस्वीरें, क्योंकि ये अब इतना चौड़ा कर दिया है, देखो इसमें एक लेन और इसमें बढ़ गई है दोस्तों, और यहाँ पर ये सर्विस लेन आ जाएगी, ये सर्विस लेन रहे यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और इधर ये सर्विस लेन रहेगी दोस्तों, बाकी ये थ्री लेन आपको एक्सप्रेस वे के साथ मिलेंगी। तो कुछ ये नज़ारा है, और उधर देखो वो गाड़ियाँ वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं जो वर्क कर रही हैं तेज़ी के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को खुर्जा अलीगढ़, दिखाते हैं आपको कि कितना ये बन के कम्प्लीट हो चुका है एक्सप्रेस वे, देख सकते हो अभी काम चल ही रहा है।
Thank you.